हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, जीएस मिश्रा जी में आपका स्वागत है। तो देखिए, मैं आपके लिए कुछ एफएक्यूज लेके आया हूँ। एफएक्यूज मतलब होते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मतलब जो हर दूसरे या तीसरे एग्ज़ाम्स में, आपके जनरली वन डे एग्ज़ाम्स की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ पे जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। आप चाहें तो इसको अपने पास नोट भी कर सकते हैं, तो मैं ऐसी और सीरीज़ लेके आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, एक अनुव्रता होती है, तो ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड होता है। जैनिज्म से होता है, बुद्धिज्म से? तो अनुव्रता जो होता है वो आपका जैनिज्म से रिलेटेड होता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज, मतलब जो प्रेजेंट टाइम का आपका आईएएस का एग्ज़ाम होता है, तो उस चीज़ के फादर कौन कहे जाते हैं, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज? तो देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज कहा जाता है। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट था, जिसे हम आम भाषा में ये स्थाई बंदोबस्त भी कहते हैं, तो ये वाला भी यही लेके आए थे। ठीक है, तो ये ज़मीन वगैरह से रिलेटेड होता था, परमानेंट सेटलमेंट। फिर आर्टिकल 169, ठीक है, आर्टिकल 169 प्रोविज़न ऑफ क्रिएशन और एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो देखिए, जो विधान परिषद है हर राज्य में तो होती नहीं है, कुछ कुछ राज्यों में है। ठीक है, अभी 6 या 7 राज्यों में है आपका, तो जैसे यूपी है, यूपी में भी क्या कहते हैं विधान परिषद है आपकी, तो उससे रिलेटेड जो है उसको क्रिएट करने के लिए और उसको ख़त्म भी करने के लिए, मतलब क्रिएशन भी है एबोलिशन भी है। ठीक है, क्रिएट भी करने के लिए, एबोलिश भी करने के लिए जो आर्टिकल है, आर्टिकल 169 है। अभी आपने पढ़ा होगा करंट अफेयर में कि उड़ीसा में जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के बनाने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 169। क्वालिटी ऑफ डीजल ये किसमें नापी जाती है? तो ये सीटेन नंबर एक होता है, उससे रिलेटेड होता है क्वालिटी ऑफ डीजल। ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी किसने फाउंड करी थी? ठीक है, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी आपकी धर्मपाला ने फाउंड करी थी। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय धर्मपाला। ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट, या यंग बंगाल मूवमेंट जो है उससे मतलब किसके अध्यक्षता में, या किस कौन उसका मेन लीडर था? ठीक है, तो यंग बंगाल मूवमेंट जो है, तो उससे रिलेटेड आपके जो मेन आदमी है वो है हेनरी डेरोजियो। ठीक है, हेनरी डेरोजियो। फिर जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट होते हैं वो कौन सी भाषा में लिखे गए हैं? ठीक है, ये पाली लैंग्वेज में लिखे गए हैं, तो आप इसको बता देता हूँ। जनरली हम लोग जैसे भोपाल कहते हैं ना, तो जो आप लोगों ने ये भोपाली, मतलब ये आपने मूवी देखी होगी शोले, तो उसमें शायद सुरमा भोपाली बोलते हैं, तो भोपाली, तो ऐसे कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट और पाली। ठीक है, फिर जो रेड पॉइजन होता है वो बेसिकली कौन सा केमिकल होता है? ये आपका जिंक फॉस्फाइड होता है, जो रेड पॉइजन होता है, रोडेंट किलर भी कहते हैं इसे। ठीक है, रोडेंट किलर भी कहते हैं, तो ये आपका जिंक फॉस्फाइड होता है। फिर प्लांट्स ग्रोन ऑन सलाइन सॉयल, ठीक है, जो सलाइन सॉयल होती है उस पर जो प्लांट्स ग्रो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हेलोफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, कलर ऑफ आइस, मतलब जो जैसे किसी की आंखें नीली होती हैं, किसी की भूरी होती हैं, किसी की काली होती हैं, है ना, तो जो आइस का डिफरेंट कलर होता है वो किस वजह से होता है? वो डिफरेंट टाइप, वो डिफरेंट आइरिस की वजह से होता है, ड्यू टू आइरिस। फिर ये हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का यूज़ किस लिए किया जाता है? इस मेजर्स ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो वातावरण में हमारी आर्द्रता होती है उसको नापने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर ये क्लिंकर थ्योरी आती है एग्ज़ाम में, किस चीज़ से रिलेटेड है ये? एजिंग, जो मतलब हमारी एज बढ़ती जाती है, तो उससे रिलेटेड थ्योरी क्लिंकर थ्योरी कहलाती है। इट इज़ रिलेटेड टू एजिंग। ठीक है, ऊटी जो एक पर्यटक स्थल है आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, तो इसका रियल नेम जो है वो उडाग मंडलम है, और ये है कहाँ पे? जो नीलगिरी हिल्स साउथ में है, यहाँ पे नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु। ठीक है, फिर लिग्नाइट कोल, ये कहाँ पे पाया जाता है इंडिया में? कोल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ठीक है, उसमें से एक लिग्नाइट कोल भी होता है, और जैसे एंथ्रेसाइट वगैरह होती हैं, तो एक लिग्नाइट कोल भी होता है, ये आपका तमिलनाडु में पाया जाता है। यहाँ पे कुछ निवेली लिग्नाइट लिमिटेड करके है एक कॉरपोरेशन, तो वो भी तमिलनाडु में है, तो ये लिग्नाइट कोल तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान, कजाकिस्तान की राजधानी क्या है? कजाकिस्तान की राजधानी आपकी अस्ताना है। ठीक है,
तो ये मैंने यहाँ पे 14-15 पॉइंट कवर करने की कोशिश करी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।